बच्चों, हम यंग्स मॉडुलस पढ़े हैं, हम लोगों ने बल्क मॉडुलस पढ़ा है, हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा है। आज हम लोग एक रेशियो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइजन रेशियो। क्या होता है पॉइजन रेशियो, मैं समझाता हूँ। मान लो कोई भी अपने पास एक रॉड है या समथिंग लाइक सिलिंड्रिकल शेप, और हम इस पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हैं। मतलब हमने इधर भी फोर्स एफ लगाया, हमने इधर भी फोर्स एफ लगाया। अब इस फोर्स की वजह से इसका लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। अब लेंथ अगर बढ़ेगा, तुम अगर गौर से देखो तो ये मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, इस मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर तुमने लेंथ बढ़ाया, तुमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा के इसका लेंथ बढ़ाया, तो इसमें एक स्ट्रेन डेवलप हुआ। लेंथ बढ़ने से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ छोटा हो गया, यानी कि देखा गया कि ये पार्ट कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये जो रेडियस था पहले, पहले के रेडियस को हमने बोल दिया आर। अब इसके रेडियस में थोड़ी कमी आ गई, कितना कमी आ गया, मान लो डेल्टा आर बोल देता हूं। तो ये रेडियस में कमी आ गया डेल्टा आर, पहले आर वन था अब आर टू है, चेंज हो गया तो आर वन माइनस आर टू। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा आर वन है तो इसको लिख दो आर वन माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है चेंज इन इट्स रेडियस। लेंथ बढ़ गया, पहले लेंथ कितना था, पहले लेंथ था एल, अब लेंथ इसका कितना है, तो एल प्लस डेल्टा एल। ये फाइनली लेंथ हुआ फोर्स की वजह से, ये फोर्स की वजह से फाइनल लेंथ हो गया और ये रेडियस की वैल्यू कम गई। तो पॉइजन रेशियो सिग्मा, सिग्मा इसको दिखाते हैं, सिग्मा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेडियस, मतलब रेडियस में चेंज अपॉन डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन और ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आड़ी बात समझ में। तो अब डेल्टा आर बाई आर की अगर बात की, डेल्टा आर की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियसली बात है रेडियस में जो चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल में करूंगा तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, तो आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया। ये इंश्योर कर रहा है कि सिग्मा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल्टा आर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिग्मा विल बी पॉजिटिव। तो ये रेशियो को ही अपन डिफाइन करते हैं, जो अपना लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है, इस रेशियो को ही अपन बोलते हैं सिग्मा, पॉइजन्स रेशियो। आड़ी बात समझ, इसी रेशियो का क्या नाम है, इसी रेशियो का नाम है पॉइजन्स रेशियो। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई अगर मैं दोनों तरफ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगा जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आने की वजह से जो रेडियस जो है वो छोटा हो जाएगा। डेल्टा आर बाय आर जो है रेशियो जो है लैटरल स्ट्रेन का अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, जिस सिग्मा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अलग अलग सब्सटेंस के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होती है, वो तो खैर अलग बात है। अब जैसे कि जनरली ऐसा क्या, जनरली ऐसा बोला गया है कि मान लो मेरे पास कोई एक सॉलिड है, सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है, और इसका लेंथ क्या है एल है। मैंने इसमें लगाया फोर्स जिसकी वजह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आया। चलो स्ट्रेन आ गया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि इसका लेंथ बढ़ तो गया बट इसका रेडियस जो है वो आर वन से रेडियस इसका हो गया आर टू। मुझे बोला सिग्मा की वैल्यू बताओ। तो जनरली देखा क्या गया, सिग्मा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका वी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, मैं बोलूं कि इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या है, सिलेंडर शेप का है, तो वॉल्यूम विल बी पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल, या पाई आर स्क्वायर इंटू एल, आर वन या आर बोल दो, इसको जो भी बोल दो, आर वन या आर बोल दो, और इसको आर टू बोल दो, कुछ भी है। मैंने बोला ये वॉल्यूम है इसका। अब बात यह है कि अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन दूं कि रेडियस में जो चेंज आया है और जो लेंथ में चेंज आया है बहुत स्मॉल है, रेडियस और लेंथ का जो चेंज है बहुत स्मॉल है, तुम एक काम करो दोनों साइड लॉग लगा दो, दोनों साइड क्या लगा दो लॉग। तरीका मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हें समझाऊंगा, दोनों साइड लॉग लगा दो, तो लॉग ऑफ वी बराबर लॉग पाई प्लस टू लॉग आर प्लस लॉग एल, कर सकता हूं बिल्कुल सिंपल सा, ऐसा कर सकते हैं। हमने बोला इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी लॉग वी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन जो होगा किसी के रिस्पेक्ट में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह आ जाएगा डी वी अपॉन वी अपॉन डी टी, डी टी डी सब जगह कट गया, ये कांस्टेंट है जीरो, यह आ जाएगा टू डी आर अपॉन आर, और यह आ जाएगा डी एल अपॉन एल।
अब dv अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सिलेंडर है वॉल्यूम कांस्टेंट, मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। वॉल्यूम कांस्टेंट और dv की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो तुम एक चीज देखो, तो टू टाइम्स ऑफ dr अपॉन r इज इक्वल्स टू dl अपॉन l। यानी कि अगर मैं देखूं तो पॉइजन्स रेशियो है क्या, चेंज इन r dr, माइनस n भी यहां लगा देना, माइनस ऑफ dr अपॉन r डिवाइडेड बाय dl अपॉन l, यही तो चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, चेंज इन l अपॉन l, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। यानी कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2, वही तो रेशियो है मेरा। यानी कि तुम्हारा ये सवाल हो सकता है क्या सिग्मा की वैल्यू हमेशा यही होगी 1 अपॉन 2 होगी। जनरली अगर लेंथ और रेडियस में चेंज बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये जो मैंने यहाँ तरीका किया है, ये जो तरीका किया है, ये तरीका तभी वैलिड है जब रेडियस और लेंथ में बहुत स्मॉल चेंजेस आएगा, वरना ये तरीका अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेथड अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रेडियस और लेंथ में चेंज बहुत छोटा होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में सिग्मा की वैल्यू 1/2 है। तो सिग्मा की वैल्यू हमेशा हर सॉलिड के लिए 1/2 नहीं होती, क्योंकि हर सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग होती है कितना इनक्रीज। तो सिग्मा की वैल्यू जनरली तुम बोल सकते हो कि सिलेंडर से बॉडी के लिए 1/2 हो सकती है, बट हर एक के लिए 1/2 होगी, इट इज नॉट नेसेसरी। अरे बात सुन, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट लेकिन ये मेथड जो है ये तुम अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे ऐसी जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना लेंथ और रेडियस में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो बहुत कम हो रहा है, तो वहाँ पर अपन बोल सकते हैं जो सिग्मा की वैल्यू है 1/2 के बराबर होती है। तो सिग्मा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो अलग अलग सॉलिड का। तुम एससीवी उल्टा के देखोगे तो वहाँ सिग्मा का वैल्यू अलग अलग सॉलिड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ तुम पढ़ लेना। ये आ गया, ये मेथड का एक्चुअली जो यूज़ किया जाता है वो एरर एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लो कभी कोई ऐसा सवाल दे दे तुम्हें कि सपोज करो कि मेरा कोई एक फंक्शन है वी का कोई एक फंक्शन है जो कि तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, वी का फंक्शन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। उसने बोला कि सपोज करो एक्स में हमने परसेंटेज चेंज किया 2% का, वाई में हमने परसेंटेज चेंज किया 3% का, और जेड में हमने परसेंटेज चेंज किया 1% का। मतलब एक्स को हमने 2% बढ़ाया, 3% बढ़ाया, तो वाई को हमने सपोज करो 3% बढ़ाया और 1% जेड को बढ़ाया, बताओ वी में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो ये परसेंटेज चेंज जो है बहुत छोटा है, तो अपन ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, दोनों साइड अपन लगा देते हैं लॉग। मैंने बोला लॉग ऑफ वी इज इक्वल्स टू 2 log x, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख दोगे 2 आगे आ जाएगा, प्लस लॉग वाई प्लस 3 log z, ये कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करो तो dv अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 3 dz अपॉन z, कर लिया। अब हर जगह दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे इक्वेशन को ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन x इनटू 100, यानी कि 2 dx अपॉन x यानी कि 2 प्लस dy अपॉन y इनटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 times ऑफ dz अपॉन z इनटू 100 1, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4 + 3 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 8%। जो तरीका मैंने अप्लाई किया, ये तरीका वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जो परसेंटेज चेंज जो है इन चीज़ों का बहुत छोटा हो। ये जो मैंने यहाँ अप्लाई किया पॉइजन रेशियो निकाला, ये उसी के लिए अप्लीकेबल है जहाँ पे बहुत स्मॉल चेंजेस हो बॉडी में, वहाँ के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। पॉइजन रेशियो क्या बोलता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटरल स्ट्रेन के, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाय एल प्रोपोर्शनल लैटरल स्ट्रेन के डेल्टा आर बाय आर के। वहाँ से अपन ने रेशियो को पॉइजन रेशियो से डिफाइन कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट सिग्मा आ गया। वहाँ से अपन ने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया कि जनरली सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा की वैल्यू 1/2 के, बट जनरली हमेशा के लिए नहीं, 1/2 से अलग भी हो सकती है, बट हाँ अगर चेंजेस स्मॉल है तो बहुत सारे सॉलिड के लिए ये वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। उसके बाद हमने बोला कि ये मेथड जो है वो मेथड अपन परसेंटेज चेंज निकालने में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अपने को थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है कि कब अपने को ये मेथड अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। आगे बात सुनिए, ये सारी बात हो गई पॉइजन रेशियो के बारे में, इसके बाद ये चैप्टर होता है समाप्त। अगले वीडियो में अपन कुछ नए चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।